नमस्कार, अन्नपूर्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पालक पनीर की एकदम अलग और आसान रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। और पालक पनीर बन रहा है तो पालक तो ज़रूरी है। पालक को मैंने काट के अच्छे से धुल लिया है और पनीर, जिसे मैंने पहले ही काट लिया है, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग और 2 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच फोरन और 4 दालचीनी का टुकड़ा। मसालों में हमें चाहिए 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच पनीर मसाला। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए गैस पे कढ़ाई रखें, कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म होते ही 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म होते ही कटी हुई हरी मिर्च, 2 छोटा चम्मच जीरा और कटा हुआ पालक डालें। पालक डाल के इसे अच्छे से मिला लें और अब इसका ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पकने दें ताकि पालक हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाए। पालक को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, नहीं तो पालक का कलर चेंज हो जाएगा। 1 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन को हटाएं। आप देख सकते हैं पालक हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब गैस को बंद कर दें और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। पालक हमारा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडिंग जार लें और उसमें कटा हुआ प्याज डालें, 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर इसका ढक्कन बंद करके एकदम महीन इसे पीस लें। प्याज टमाटर वगैरह हमारा पीस करके तैयार हो चुका है। इधर पालक भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब सेम ग्राइंडर में पालक को डाल करके इसका ढक्कन बंद करके इसे भी एकदम महीन पीस लें। आप देख सकते हैं पालक भी हमारा एकदम अच्छे से पीस करके तैयार हो चुका है। और अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। इसके लिए गैस पे कढ़ाई रखें, कढ़ाई में सरसों का तेल डालें, तेल डालकर तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म होते ही 2 तेज पत्ता, 4 दालचीनी का टुकड़ा, 1.5 छोटा चम्मच फोरन, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच पनीर मसाला डालकर इसे अच्छे से मिला लें। और अब इसमें जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे डालें और उसे डाल करके अच्छे से मिला लें और मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक करके अच्छे से भुनें। बीच बीच में इसका ढक्कन हटा करके इसको चलाते हुए मसाले को तब तक भुनें जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। मसाले जितने अच्छे भुने हुए होंगे सब्जी में स्वाद उतना अच्छा आएगा। मसाला भुनते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए मसाले को अच्छे से भुनें। आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो चुका है, यानी मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अब मसाले में जो हमने पालक का पेस्ट बना के रखा था उसे डालें और इसे अच्छे से मिला लें। मिलाकर इसे मसाले के साथ चलाते हुए 1 मिनट तक भुनें। 1 मिनट हो चुके हैं, मसाले के साथ पालक भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालें, जितनी गाढ़ी या पतली आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालें। और अब इसमें पनीर डालें, पनीर डालकर मसालों के साथ ही इसे अच्छे से मिला लें। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे अच्छे से मिला लें। और अब इसका ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि सब्जी नीचे से चिपके ना। 3 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर दें और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें। आप देख सकते हैं पालक पनीर की सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी आपके परिवार वालों को बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।